जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब से चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैंपस एक्टिवेयर कंपनी के बारे में। दोस्तों अभी इसी कंपनी ने हाल ही में अपना रिजल्ट दिया था, जिसके बाद इसके शेयर जो है ऑल टाइम लो पर जो है वह ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले यह बात कर लेते हैं कि यह कंपनी जो है वह करती क्या है। दोस्तों कैंपस एक्टिवेयर यह एक भारत की शू मेकर कंपनी है, जिसका मार्केट शेयर करीबन 17% है। यानी अगर पूरी भारत पर जितने भी जूते बेचे जाते हैं उसका 17% मार्केट शेयर जो है वह इस कंपनी के पास है। दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत 24 सितंबर 2008 में हुई थी, और यह कंपनी जो है रनिंग शू, वॉकिंग शू, कैजुअल शू, फ्लोटेड स्लीपर, फ्लिप फ्लॉप्स, सैंडल्स, इन सभी की मल्टीपल टाइप्स और कलर पर जो है वह बनाती है। अगर कंपनी की पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू आता है वह है मेन की जो शूज है उससे बनाने से, उसके बाद जो है वुमेन के, और उसके बाद थर्ड में जो है वह चाइल्ड के में आता है। अगर कंपनी की पैन इंडिया प्रेजेंस की बात करें तो कैंपस के 425 डिस्ट्रीब्यूटर हैं 28 स्टेट में, और 650 से ज्यादा सिटीज पर जो है वह अपने रिटेल टच पॉइंट के जरिए जो है अपने प्रोडक्ट को जो है वह बेचती है। दोस्तों अगर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जो कि रिटेल सेगमेंट में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो कंपनी जो है वो ट्रेड डिस्ट्रीब्यूटर इससे करीबन 55%, और ऑनलाइन से 38%, और ऑफलाइन से 7% जो है वह अपने प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वह काम करती है। अगर इसके ट्रेड डिस्ट्रीब्यूटर जो कि 55% है, जो कि काफी अच्छा हो जाता है, यानी कंपनी जो भी अपने प्रोडक्ट बनाती है उसको काफी एफिशिएंट और काफी कम कॉस्ट पर जो है पूरी देश में जो है वह पहुंचाती है। अगर अब बात कर लेते हैं कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की, कंपनी जो है वह जनरली अपने प्रोडक्ट जो है वह खुद बनाती है, लेकिन यह बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए आउटसोर्सिंग का भी काम जो है वह करती है। जैसे मान के चलिए जूता बनाने हैं, उसमें सोल हो गया, लेस हो गया, और भी छोटे छोटे पार्ट जो है वह लगते हैं, उन सभी की जो है वह आउटसोर्सिंग भी जो है वह कर लेती है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू जो है वह कहाँ से आता है। तो कंपनी जो है वह मेंटली इंडिया में काम करती है, और कंपनी का करीबन 83.41% रेवेन्यू मेन सेगमेंट से आता है, वुमेन सेगमेंट से 4.1, और चिल्ड्रन सेगमेंट से 12.5% रेवेन्यू जो है वह आता है। दोस्तों जब आप रेवेन्यू सेगमेंट को देखेंगे तो जो लोग रहते हैं, जो लड़के रहते हैं, उस पर जो है वह जो प्रॉफिट मार्जिन है वह काफी ज्यादा कम रहता है, क्योंकि जो जनरली देखा गया है कि जैसे जो लड़के रहते हैं वो लोग जो है उतने ज्यादा खर्चा करने पर जो है वह विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो वुमेन रहती है उन पर जो है वह प्रॉफिट मार्जिन जो है वह अधिक रहता है, क्योंकि आप सेम प्रोडक्ट को जो है वह वुमेन को जो है अधिक कीमत पर बेच सकते हैं, लेकिन उससे कंपनी का करीबन 4.1% रेवेन्यू ही आता है। और थर्ड जो जिस पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू होता है वह है चाइल्ड सेगमेंट का, जिस पर कंपनी का 6% है, और ये 12.5% से जो है अपना रेवेन्यू जो है वह कैप्चर किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर। तो दोस्तों यह कंपनी जो है एक तरह से स्मॉल कैप कंपनी के, स्मॉल टू मिड कैप कंपनी में आती है, और कंपनी का अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 8,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है। अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले एक साल पर 24.29% और 32.8% प्रॉफिट भी काफी, प्रॉफिट भी 7% और 26% से बढ़ा है। लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि इस पर समस्या जो है वह क्या आ रही है। समस्या आ रही है अभी कंपनी ने जो रिजल्ट दिए हैं, देखो सितंबर 2023 पर कंपनी ने 331 करोड़ का सेल्स किया था, उसके बाद दिसंबर पर जो है बढ़कर 465 हुआ, उसके बाद मार्च में 347, फिर 353 करीबन फ्लैट रहा मार्च से जून में, और फिर अभी सितंबर पर 258.66 करोड़ का जो है कंपनी ने नेट सेल्स किया है। अगर आप पिछले पिछले
क्वार्टर की तुलना इस क्वार्टर से करेंगे तो इस पर जो है काफी ड्रास्टिकली जो है वह चेंज आया है, करीबन 17% का। वही अगर कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट में भी लगातार गिरावट है। अगर पिछले सितंबर से इसकी तुलना करें तो यह 19.51% था और अभी 0.37 करोड़ रुपए है। यानी अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है वह प्रॉफिट जो है वह कमा नहीं रही है। जब एक रिटेल सेगमेंट की बात करते हैं, आप किसी भी कंपनी कोई रिटेल कंपनी को एनालाइज करते हैं तो उस पर जो है वह प्रॉफिट और फ्री कैश फ्लो जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन ये कंपनी जो है वह फ्री कैश फ्लो यानी प्रॉफिट जो है वह बढ़ा ही नहीं रही है। इस कारण से इसकी शेयर की कीमत पर जो है वह गिरावट आई है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इस पर फंस गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस पर फंस गए हैं तो आपको जितना जल्दी हो सके इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है अगर वो प्रॉफिट ही नहीं कर रही है तो को उस पर बने रहने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। लेकिन यह कंपनी जो है वह रिटेल सेगमेंट की कंपनी है और अभी आने वाले समय पर जो है हमारे देश पर इलेक्शन आने वाले हैं जिस पर जो है काफी ज्यादा खर्चा होगा। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट भी जो है वह जितना बढ़ना था उतना बढ़ गया है और आने वाले समय पर जो है वह उसमें गिरावट होने वाली है। तो हो सकता है कि यहाँ से जो है वह शेयर, अगर आप अच्छे लंबे नुकसान पर बैठे हुए हैं तो आपको थोड़ा देर होल्ड करना चाहिए और जब अच्छी कीमत पर मिले तो यहाँ से जो है आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि अभी ऑलरेडी प्राइस जो है वह काफी ज्यादा जो है वह गिरावट पर है। और रिटेल सेगमेंट जब तक तो कोई फंडामेंटली जो है अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो यहाँ से इस शेयर को जो है वह रिकवर ही करना चाहिए। आपका इस बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।